Hello friends, I welcome you all on your PDA education. So today I am going to give you one big job update and that is from BARC BARC. So friends, BARC mein dubara se vacancies out ho gayi hai. So that is recruitment of OCES and DGFS 2022. Okay, so ye aap inki website par ja sakte ho. Okay, barconline.exam.in engineerindex.html and ye message aap yahan par check kar sakte hai. Then you have to go to information brochure section. So information brochure mein jab aap jaoge to wahan par aap check kar sakte ho. Recruitment honi hai scientific officers ki, so that is group A post in Department of Atomic Energy through BARC training schools. Okay, OCES DGFS aap jise bolte ho, to ye recruitment hai 2022 ke liye engineering and science disciplines ke liye. ठीक है, एंड इसमें ग्रेड पे स्केल क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबल डिसिप्लिन्स क्या रहेगा. ठीक है, तो जैसे आपको पता है ओसीएस में आपको ट्रेनिंग रखा जाता है और डीजीएफएस में वहां पर आपको मास्टर्स एमटेक एमबी करवाया जाता है. ठीक है, एंड अब इसमें आप चेक कर सकते हो ट्रेनिंग स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, दो ट्रेनिंग स्कीम्स के अंडर इसमें कैंडिडेट्स को लिया जाता है. ठीक है, इसमें आपको कैरियर प्रोवाइड किया जाता है न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, एंड उसके अलावा और जितने भी जो एरियाज हैं साइंस एंड टेक में जो कि इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एंड इसमें मेनली इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं, जो जो रिसर्च है, ठीक है, वो की जाती है. एंड अदर देन दिस, तो ये दो ट्रेनिंग स्कीम्स हैं. वन इज ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, एंड अदर इज डी ए ई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट्स. ओके, एंड यू कैन सी दिस. सो 2022-23 के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट होना है. एंड ये सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की यूनिट्स हैं. ठीक है, एंड अदर देन दिस यहाँ पर आपको आपकी पोस्टिंग मिलेगी. तो ग्रुप ए पोस्ट है ये सारी की सारी. एंड अदर देन दिस इसमें वो और जो मान और जो एक मेन बात है, एंड दिस इज जो इसमें डी ए ई में जो आपका पैकेज रहने वाला है, सो दैट इज सॉरी डी ए ई में जो ओ सी एस जो ट्रेनिंग स्कूल है उसके अंडर जो आपका पैकेज रहेगा, सो दैट इज 6,78,000. एंड फॉर डी जी एफ एस जो आपका पैकेज रहेगा, सो दैट इज 13,58,000. ठीक है, तो ये टोटल सी टी सी रहने वाला है. ओ सी एस वालों का 6,78,000 और डी जी एफ एस वालों का 13,58,000. ठीक है, तो DGFS में इसमें आपको मास्टर्स भी करवाया जाता है. ठीक है, एंड अदर देन दिस जो आपका पे स्केल रहेगा वो ये रहेगा 56,100 से लेकर. ठीक है, सो दैट इज लेवल 10. एंड यहाँ पर टोटल जो आपकी सैलरी रहने वाली है, सो दैट इज ₹1,05,000. एंड अदर देन दिस ये सिलेक्शन प्रोसेस इसमें इन्होंने बताया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा. एक ऑनलाइन एग्जाम होएगा अप्रैल 2022 में. जितने भी 9 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं और 3 साइंस डिसिप्लिन हैं वो सारा आगे बताया हुआ है. ठीक है, एंड आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो बार का. और इसके अलावा यहाँ पर गेट में जो आपके पास गेट का 2021, गेट 2021 एंड गेट 2022 का जो आपका स्कोर है, ठीक है, उसके बेसिस पर भी आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है फॉर इंटरव्यू. ठीक है, जो जिन्होंने अपना डिग्री बीटेक न्यूक्लियर में है, ठीक है, उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा अप्रैल 2022 में. ठीक है, अगर आपको अपना आई विल से शॉर्टलिस्टिंग पक्का करना है फॉर इंटरव्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही मेथड चूज़ कर सकते हैं. गेट का स्कोर भी आप यूज़ करें एंड उसके अलावा टेस्ट भी दें. कैंडिडेट कैन चूज़ एनी वन और बोथ ऑफ द अबव स्क्रीनिंग ऑप्शंस. ठीक है, तो जिसमें भी आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जहाँ पर भी आप इंटरव्यू में आते होंगे, या तो गेट के बेसिस पे या फिर आई विल से टेस्ट के बेसिस पे जो कि बार का ऑनलाइन टेस्ट होता है, देन आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं. एंड अदर देन दिस इसमें सिलेक्शन इंटरव्यूज़ हैं इसमें. ठीक है, मुंबई में होंगे. ठीक है, और हैदराबाद में जियोलॉजी का होगा. मुंबई में सभी डिसिप्लिन्स का होगा एक्सेप्ट जियोलॉजी, और जियोलॉजी वालों का हैदराबाद होगा. ठीक है, एसी थ्री टायर ट्रेन फेयर आपको दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए. ठीक है, एंड जो आपका जो सिलेक्शन इंटरव्यूज़ होंगे वो जून जुलाई 2022 में होंगे. ठीक है, एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चूज एन इंटरव्यू स्लॉट्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इन अप्रैल 2022. तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है यूपीडिया इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाता है, बार्क का हो, इसरो हो, या जो दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. इन केस यू आर इंटरेस्टेड, सो यू कैन फिल आर गूगल फॉर्म. वी आर अटैचिंग अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. वी आर हैविंग अ गुड गेट स्कोर ऑफ 2021. ओके, सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ. ओके, अदर देन दिस
एंड उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगा, जो मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट सितंबर 2022 में आ जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, बीटेक बीएससी किया हुआ है, 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक किया हुआ है, मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एमई, ये सारे के सारे यहाँ पर कोड दे रखे हैं, तो वो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पर बीटेक से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द ब्रोशर। तो लास्ट टाइम आल्सो ये पीडीए ने आपको अवेयर करवाया था, एंड अदर देन दिस कैसे अप्लाई करना है वो सारा यहाँ पर प्रोसेस है, ठीक है। एंड अदर देन दिस मेनली ये है एप्लीकेशन एक्टिवेशन थ्रू ओटीपी एसएमएस प्राइम स्टेज एप्लीकेंट लॉगिन कैंडिडेट होम, तो ये सारा का सारा है, ये प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पर बताया है। मैकेनिकल में अगर अप्लाई कर रहे हो आप, मैकेनिकल में अगर ये बार का पेपर लिखना है आपको, तो बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए, गेट सब्जेक्ट मैकेनिकल में होना चाहिए, तो ये सारा आप टेबल यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, एंड अदर देन दिस साइंस टीम वालों के लिए भी यहाँ पर बताया हुआ है, ये टेबल आप चेक कर सकते हैं। एंड अदर देन दिस तो ट्रेनिंग स्कूल ये रहेगा, ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये टेबल आप फर्दर उसके लिए चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट है सो दैट इज 12th of Feb, और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है सो दैट इज 11th of Feb। तो जिन्होंने अभी तक आई विल से अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर लें, तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी आप ज़रूर लिखें, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में होगा, और आप अपना गेट स्कोर कार्ड भी 13 अप्रैल 2022 को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी सो 28 अप्रैल को आएगी, ठीक है। एंड फिर आपके इंटरव्यूज़ होंगे 14th June to 31st July, ठीक है। इनकेस आपके पास अच्छा गेट स्कोर है फॉर ऑफ 2021, सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ विद योर पीडीएफ फॉर इंटरव्यू। वी आर अटैचिंग अ गूगल फॉर्म एंड आल्सो प्रोवाइडिंग अ कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, एंड फाइनल जो लिस्ट आएगी वो सेप्टेम्बर में आएगी, मेरिट लिस्ट। ओके, सो this is the brochure. I will also provide the link of the brochure and the website in the description of this video. In case you are interested, you can start preparing for interview of BARC with your PDA. So thank you very much, friends. Keep watching your PDA. Thanks once again.